बालौदा बाजार जिले में कसडूल तहसील के ग्राम पंचायत बया में धड़ल्ले से अवैध महुआ शराब बिक रही है, जिसके कारण गांव के छोटे बच्चे भी नशे के आदि हो चुके हैं। वहीं पुलिस इस मामले से संबंधित लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर अंतिम छोर पर ग्राम पंचायत बाएं में पिछले 2 साल से अवैध महुआ शराब धड़ल्ले से बिक रही है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान है, क्योंकि शराब के सेवन से आए दिन गाँव के लोगों की तबीयत खराब हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत करने पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है। बहुत दिन हो गए जब से कोरोना काल हुए ना, तब से बिकाई चालू है। ये लब बंद कराए के लिए कोई प्रयास करे हो अपन? हाँ, कई बार कर चुके हैं। महिला समूह से चौकी में आवेदन भी दे चुके हैं। अब घर घर जाके भी बंद करवा के कोशिश करे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिले। का बोलते अधिकारी कर्मचारी बन गए? पुलिस वाले मन बोलते कि उल्टा धमकी देते। क्या धमकी देते? जबरदस्ती होकर घर में तुमन कैसे घुस गया, तुमन को बड़ो अगर रिपोर्ट कर दी तो अंदर कर दहा तुमन ऐसे करके। महुआ शराब से ये समस्या है कि हमारे गांव में जो छोटे छोटे लड़का में भी महुआ शराब लग पियत हैं, और उनमें हमारे गांव के जो दाई ददा मन हैं उन बर्बाद होते हैं, और पैसा भी हमारे मन के सिरात है। एकर नाम से महुआ दारू जो है बंद होना चाहिए। छोटे छोटे जो आजकल पढ़े जाते हैं तहूँ लड़का महुआ दारू के उपयोग करे थे, क्या महुआ जो झिल्ली आज 30 से 20 रुपये 40 रुपये में बिकत है। कितना जन बेचत हुई है शराब यहाँ? करीबन 3 आदमी बेचते हैं।